नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की इस बड़ी खबर पर, जहां झांसी में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की देखी गई हकीकत। जी हां, मऊ रानीपुर में किसानों द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं कि गेहूं क्रय केंद्रों पर घटतौली होती है, जिसमें यूपीएस न्यूज 24 के संवाददाता विक्रम पटेल ने मऊ रानीपुर में गेहूं क्रय केंद्रों पर जानने की कोशिश की तो किसानों द्वारा ना तो कोई ऐसी शिकायत की गई और ना ही किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई। आपको बता दें कि इस वर्ष किसानों को गेहूं बेचने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और समय पर भुगतान भी हुआ। खाद्य विभाग की विपणन शाखा मऊ रानीपुर ने 19,651 कुंटल एवं पीसीएफ ने 25,560 कुंटल गेहूं क्रय किया है, जिसमें केंद्र प्रभारी ने बताया कि अभी 22 तारीख को गेहूं क्रय किया गया है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार गौतम। ये कह रहे हैं यहाँ कितने कुंटल लगभग अपने केंद्र से खरीद हो चुकी है गेहूं की? हमारे केंद्र पर जो है 19,651 कुंटल 50 किलो की अब तक 460 किसानों से खरीद हो चुकी है। किसानों द्वारा अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि घटतौली होती है, क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 19,651 कुंटल खरीद हो चुकी है। अगर घटतौली हो रही होती किसानों के द्वारा कभी ना कभी शिकायत दर्ज कराई जाती इस संबंध में, परंतु कभी किसी किसान के द्वारा इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई किसी स्तर पर। यदुनाथ सिंह, आपकी संस्था से अभी तक कितनी खरीद हो चुकी गेहूँ की? गेहूँ की हो चुकी कल की डेट तक है 25,560। किसानों द्वारा अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि घटतौली होती है, परेशान किया जाता है या अन्य असुविधाएँ होती हैं यहाँ केंद्र पर, जी तो क्या ये सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमारे केंद्र पर शायद अभी तक तो नहीं आई, ना घटतौली की ना कोई ऐसी असुविधा। जो भी किसान आते हैं पर डे की पर डे तुलाई हो रही है, कोई समस्या ऐसी विशेष सामने नहीं आई अभी तक। पेमेंट में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो किसानों को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन में पेमेंट डल रहा है अधिकतम। खरीद अभी कब तक चल रही है आपकी? 22 जून तक चलेगी, 22 तारीख तक। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से हमारे विशेष संवाददाता विक्रम पटेल की खास रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले।